गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करियर पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएसएसएल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, सभी के लिए आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, टॉप 200 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको बेल आइकन ऑन करना है नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज आप लोग लाइक मत करना। और हमें अपना फीडबैक जरूर देना क्वेश्चन पर, ताकि हम आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। आप सभी का फीडबैक हमें जरूर मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? तो किस देश ने शामिल किया है? रूस देश ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रूस ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी सेना के अंदर शामिल किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है, अच्छे से याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है? तो देखिए, किसको घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? मलाला यूसुफजई को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के अंदर वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? एयरटेल ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार द्वारा हाल ही में ज्योतिराव फूले किसान ऋण की माफी योजना घोषणा की है? किसने की है? महाराष्ट्र ने, ठीक है। ज्योतिराव फूले किसान ऋण योजना माफी योजना जो है वो की है किसने? महाराष्ट्र ने की है घोषणा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो किस राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यूपी के अंदर खोला जाएगा पहला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? देखिए, भारतीय खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लिएंडर पेस एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, वो संबंधित है टेनिस खेल से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर रखा है। रोहतांग टनल का नाम क्या रखा है, नया नाम क्या रखा है केंद्र सरकार ने? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल टनल, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या किया गया है? अटल टनल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है, वह थे कौन थे? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्यकार, ठीक है। गंगा प्रसाद विमल का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे? साहित्यकार थे प्रसिद्ध, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, साहित्यकार। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से सभी के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चमारा कपूगेदरा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो देखिए, किस
देश से है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश से। ठीक है, चमारा कपूगेदारा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो संबंधित है किस देश से? श्रीलंका से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे खेल भी पूछ सकता है, तो खेल कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट से संन्यास लिया है और ये कहाँ से है? श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर कर दिया है, क्या नाम किया? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इको राइट आंसर। ठीक है, 8 पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने साझा मुद्रा का नाम बदलकर क्या किया है? इको किया है। ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2020 में, सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अपना अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? देखिए भारत का अगला विदेश सचिव किसको नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो देखिए किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधाधुन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अंधाधुन मूवी है जिसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मैनुअल मोरेरा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मोरेरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? देखिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है हर साल 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? देखिए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? बाल ठाकरे के नाम पर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या किया गया है? किसके नाम पर? बाल ठाकरे के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो देखिए किस देश ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किसने की है? पुर्तगाल ने करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में शीर्ष स्थान पर मिला है, तो देखिए शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये क्या है? एक क्रिकेटर है भारतीय टीम के। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा 2019 की सूची में कमाई के मामलों में शीर्ष स्थान पर किन को रखा गया है? विराट कोहली को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ है, वह थे? तो देखिए श्री राम लागू का निधन हो गया है, वह क्या थे? अभिनेता। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे श्री राम लागू, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह क्या थे? अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से मिलेगा? तो देखिए कितने को? इसका सही आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, 23 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो देखिए थल सेना के नए प्रमुख किनको चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज मुकुंद नरवाने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक करिए फटाफट, सभी साथी एक साथ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा स्थान है?
इसका सही आंसर हो जाएगा 112वां। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए 112वां स्थान मिला है किसको, भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। देखिए किसने किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मई को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है, याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है, टोनी एन सिंह ने, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है टोनी एन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें किसे शीर्ष स्थान मिला है। देखिए किसको मिला शीर्ष स्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर रही हैं एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए हर वर्ष कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो कब, 14 दिसंबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए कौन सा, 9वां स्थान, ठीक है, 9th नंबर पर रहा है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक द्वारा 2019 की सूची जारी की गई, जिसमें भारत को 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है। देखिए टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया किसको, ग्रेटा थनबर्ग को, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए किसको नियुक्त किया गया है, सुनील शेट्टी, ठीक है, ये क्या है, अभिनेता है, और इनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सुनील शेट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को हाल ही में दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है। तो देखिए किसको चुना गया है, आबू धाबी को, ठीक है, दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है आबू धाबी को, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए कौन सा, 129वां, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को स्थान मिला है 129वां, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, वाडा ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वाडा ने हाल ही में देखिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया है किस पर, रूस पर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। तो देखिए मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है किसने, जोजीबिन टुंजी ने, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोजीबिन टुंजी जिसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिए सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सना मारिन,
ठीक है। सना मारिन कहाँ किस देश की है, फिनलैंड की है, जो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का श्रेय इनको प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सना मारिन, ठीक है याद रखिए। और ये किस देश से है, फिनलैंड से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड के किस संस्करण का शुभारंभ हुआ था। देखिए किसका हुआ था, आठवें का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था हैंड इन हैंड, ठीक है। आपसे सैन्य अभ्यास का नाम भी पूछ सकता है, तो वो कौन सा है, हैंड इन हैंड है, और उसका संस्करण कौन सा था, आठवां संस्करण, ठीक है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है, देखिए कौन बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएस लक्ष्मी, ठीक है याद रखिए, पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है जीएस लक्ष्मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डेनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है, तो देखिए किस अभिनेत्री को मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं जिनको यूनिसेफ का डेनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बॉब विलिस का निधन हुआ है, वह थे, तो देखिए बॉब विलिस कौन थे जिनका निधन हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व क्रिकेटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो देखिए कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा, सबसे पहले भारत के अंदर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2019 दिए गए हैं जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो देखिए दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, मलाइका अरोड़ा को, ठीक है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने हैं, तो देखिए गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो इसके नए सीईओ कौन बने हैं, इसका सही आंसर होगा सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट जिसके नए सीईओ बने हैं सुंदर पिचाई, और गूगल के भी सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे हर वर्ष मनाया जाता है, देखिए हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है कब, 4 दिसंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, FSSAI ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो रेलवे की तैयारी करें ना उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई सेंट्रल, ठीक है। FSSAI ने हाल ही में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलोन डी ओर का खिताब जीता है, किसने जीता है, लियोनल मेसी ने, ठीक है। बैनोल डी ओर का खिताब जीता है लियोनल मेसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो देखिए कौन बना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन, ऑस्ट्रेलिया देश बना है। नेक्स्ट देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं,
देखिए मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हैं? पृथ्वीराज सिंह रूपन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है हर साल 3 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है हर साल, देखिए कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? देखिए दुनिया का पहला देश जिसने हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है, इस तो कौन सा देश है? भारत देश। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, भारत देश ने हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन हर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो देखिए हाल ही में भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोमा रॉय बर्मन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम रखा गया है क्या? ट्रेकिसियम ऑप्टे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोजी गई है सांप की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या रखा गया है? ट्रेकिसियम ऑप्टे रखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो देखिए 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको? अकीतम अच्युतन नंबूदरी को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, अकीतम अच्युतन नंबूदरी, याद रखिएगा 2019 का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यासुहिरो नाकासोन का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो देखिए किस देश के थे? जापान देश के। ठीक है, जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे यासुहिरो नाकासोन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शहर में हाल ही में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो देखिए किस शहर में किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो देखिए जापान के द्वारा भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा सातोशी सुजुकी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो देखिए कौन करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास होगा मिलन, जिसका नाम रखा गया है 2020 में, भारत उसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए 26 नवंबर को हर साल भारतीय संविधान दिवस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, जिन्होंने भारत के अंदर श्वेत क्रांति लेकर आए थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग द गैप नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं? फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन टॉफेल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कीजिए, पुस्तक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
तो देखिए फाइंडिंग द गैप पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं साइमन टॉफेल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? देखिए किसने, एलियू किपचो ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? देखिए किसने जीता है, दलीला मोहम्मद ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। महिला खिलाड़ी हैं दलीला मोहम्मद, जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए किस राज्य सरकार ने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के अंदर खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? देखिए किन किसने जीता है बाल शांति पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग और डिवीन मेलोम। अच्छे से याद रखिएगा, नाम ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मेलोम है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए कौन बने हैं, इसका सही आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है कब, 21 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति श्रवण योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है, असम सरकार ने। ठीक है, दुल्हनों के लिए अरुंधति श्रवण योजना की शुरुआत की है असम सरकार ने भारत में पहली बार। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट री नामक अभियान शुरू किया है? तो किस अभिनेत्री ने किया है, कैटरीना कैफ ने। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैटरीना कैफ अभिनेत्री हैं जिन्होंने सी गॉट री नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण भूमि। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अरुण भूमि। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए कौन है, महिंदा राजपक्षे। ठीक है, महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए किसको मिला है, सत्या नडेला को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फॉर्च्यूनर के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है सत्या नडेला को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए आइकन ऑफ गोल्डन जुबली इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो देखिए पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया, किसको, विराट कोहली को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देखिए कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मैंस डे हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मैंस डे मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो देखिए किसको चुना गया है, डेविड एटन ब्रो को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से के लिए चुना गया है डेविड एटन ब्रो को। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश किस पद की शपथ ली है? तो देखिए कौन से नंबर के हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 47वें नंबर के, ठीक है। अरविंद बोबड़े जो हैं भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? देखिए श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन है, गोतबाया राजपक्षे, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। श्रीलंका के 8वें नंबर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट देखिए, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई है? तो देखिए कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरिता देवी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग चुनी गई है सरिता देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो देखिए किसने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने, असम राज्य सरकार ने, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। असम राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है भारत में सबसे पहली बार। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कितने यात्रियों को, इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? तो देखिए किसने ली है, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ द आर्ट के बोर्ड में चुना गया है? तो देखिए किसको चुना गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के रूप में चुना गया है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखिए, ऑप्शन डी ब्राजील यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्राजील देश के राष्ट्रपति को 2020 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे देखिए हर साल कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ वह थे? देखिए नारायण सिंह कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणितज्ञ, ठीक है, वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने बाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो देखिए किसने किया है, सुंदर सिंह गुर्जर ने, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो देखिए किस मंत्री को, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 68%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक्सिको ने बोलिविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इवो मोरालेस को, ठीक है,
मेक्सिको ने बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोलेरेस को शरण दी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक राज्य सरकार ने अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने हाल ही में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के नाम पर मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो देखिए कौन बने हैं, दीपक चाहर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए दीपक चाहर जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 11 नवंबर को किस व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद के दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में बनाया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व TN शेषन का निधन हुआ, वह थे। देखिए TN शेषन कौन थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, TN शेषन कौन थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं, रोहित शर्मा जी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किसे वर्ष 2019 का व्यास सम्मान मिलेगा। तो देखिए 2019 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है, नासिरा शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है किसको, नासिरा शर्मा को। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना है। तो देखिए सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान कौन सा बना है, YZ-2 बना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 14वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता किसने, मनु भाकर ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता गया मनु भाकर के द्वारा 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में। आपसे गेम भी पूछ सकता है, तो निशानेबाजी आपका गेम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए किस सरकार ने लगाया है, बिहार राज्य सरकार ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार जो है उसने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जितने भी वाहन हैं जो 15 साल से पुराने हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गोवा के नए राज्यपाल बने। तो देखिए गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, सत्यपाल मलिक। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नए राज्यपाल नियुक्त किए गए सत्यपाल मलिक जी गोवा के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ाने हेतु 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ाने हेतु 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन
टू भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN की सूची में जुड़े। तो देखिए कौन से दो भारतीय शहर हैं जो UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में जुड़े हैं, तो कौन से हैं, जयपुर और अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। UCCN की सूची में दो भारतीय शहर हैं जयपुर और अहमदाबाद जिनको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए किस राज्य सरकार ने लगाया है, किसने, पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी तरह से गुटखा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री, ठीक है, उत्पादन और बिक्री दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है पूर्ण तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं। तो देखिए लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं, RK माथुर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना गया है, ठीक है, 370 और 35 को तोड़कर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। तो देखिए राज्यपाल कौन, उपराज्यपाल कौन बने हैं, RK माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए हर साल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब, 31 अक्टूबर को, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है। तो देखिए किसके साथ की है, सऊदी अरब, ठीक है, भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। देखिए भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, SA बोबड़े, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 47वें इनका क्रम है, ठीक है, इनसे पहले 46 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा चुके हैं और SS A बोबड़े इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर 370 और 35 ए दोनों को तोड़कर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली है। तो देखिए किस राज्य के, हरियाणा सरकार, ठीक है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर ने दोबारा शपथ ली है, ठीक है, और ये BJP के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है, कर्नाटक ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरतों को खत्म किया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ब्राजील देश ने, ठीक है, ब्राजील देश ने हाल ही में विकसित देशों हेतु वीजा जो होता है उसकी जरूरत को खत्म कर दिया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए किस राज्य सरकार ने किए हैं, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ओडिशा राज्य। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने, यूपी सरकार ने, ठीक है, यूपी राज्य की सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए कौन सा, 63वां, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जारी इज ऑफ
डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में भारत को 63वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूएन ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, यूएन के द्वारा भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? फीड अवर फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए यूएन ने फीड अवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है भारत के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरव गांगुली, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जितना उसके फेसबुक व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जितना उसके शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? तो देखिए, भारत के साथ डाक सेवा किसने बंद की है? पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान पड़ोसी देश है भारत का और उसने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा असम सरकार ने, ठीक है, असम सरकार ने 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सबसे आगे है? देखिए, कौन है सबसे आगे? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने हाल ही में ब्रिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया है, जिसके लेखक है? तो देखिए, ब्रिजिटल नेशन पुस्तक है, उसका पीएम मोदी के द्वारा विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम, दोनों जो हैं इसके लेखक हैं ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के, और इसका विमोचन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, FATF ने हाल ही में किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है? तो देखिए, ग्रे सूची से FATF के द्वारा किस एशियाई देश को बाहर किया गया है? श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका एशियाई देश है और इसको FATF ने हाल ही में ग्रे सूची से बाहर किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, श्रीलंका यहां पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब जीता है? तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? बंगाल वॉरियर्स ने, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब जीता किसने? बंगाल वॉरियर्स ने जीता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल वॉरियर्स। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बोध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम के लिए जो रेलवे की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में नेपाल और भारत के बीच अपनी पहली बोध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नेपाल देश यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए, कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लियोनेल मेसी राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, लियोनेल मेसी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटर जेनी गुन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो देखिए, किस देश से है? इंग्लैंड से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटर
जेनी गुन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये इंग्लैंड देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीरो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, तो कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 102वां, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 अक्टूबर 2019 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती बनाई गई? तो देखिए, 15 अक्टूबर 2019 को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती बनाई गई है? 88वीं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए, कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो देखिए, भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस कौन बनी है? तो देखिए, इसका सही हो जाएगा प्रांजल पाटिल। ठीक है, पहली नेत्रहीन महिला है भारत की जिन्होंने आईएएस क्लियर किया है और आईएएस बन गई है, प्रांजल पाटिल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? अभिजीत बनर्जी। ठीक है, अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अक्टूबर 2019 को भौतिकी विज्ञान जोसेफ एंटोनी फर्नेंड पठार की कौन सी जयंती बनाई गई? तो देखिए, कौन सी जयंती बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 218वीं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 14 अक्टूबर 2019 को भौतिक विज्ञानी जोसेफ एंटोनी फर्नेंड पठार की 218वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? तो देखिए, कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे मृत्यु के 93 साल बाद संत की उपाधि मिली है? तो देखिए, 93 साल बाद मृत्यु की, मौत हो जाने के बाद उसके 93 साल बाद संत की उपाधि किसको दी गई है? मरियम थ्रेसिया को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरियम थ्रेसिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा जारी प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 बिलियन से अधिक लोग दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक ऐसे लोग हैं जो दृष्टि दोष के साथ जी रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में कोमोरस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक करिए। आपके एक एक लाइक से ये वीडियो काफी बच्चों तक पहुंचेगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो देखिए, कौन भारतीय जो हाल ही में कोमोरस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा M.K.M. वेंकैया नायडू। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कोमोरस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में 12 अक्टूबर 2019 को प्रसिद्ध बंगाली कवयित्री कामिनी राय की कौन सी जयंती बनाई गई? तो देखिए, कौन सी? इसका सही आंसर हो जाएगा 155वीं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 12 अक्टूबर 2019 को प्रसिद्ध बंगाली कवयित्री कामिनी राय की 155वीं जयंती बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ग्लोबल सॉरी 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो देखिए 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? अबी अहमद अली को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अबी अहमद अली को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 11 अक्टूबर 2019 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 7वां, ठीक है, 11 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 7वां, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए साहित्य में, साहित्य के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसको, पीटर हैंडके को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2019 का, पीटर हैंडके इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए किसको, ओल्गा टोकरजुक को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो देखिए कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा समय इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी है? तो देखिए सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला कौन बनी है? मिताली राज। और ये किस देश से? भारत देश की खिलाड़ी है, ठीक है, महिला खिलाड़ी है मिताली राज जी, जो सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला बन गई है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मिताली राज, और ये भारत से है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए किन तीन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2019 मिला है? देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तीन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 का, तो किन किन को मिला है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन बी गुड एन एफ, एम स्टैनली विंटिगम और अकीरा योशिनो को, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जॉन बी गुड एन एफ, एम स्टैनली विंटिगम और अकीरा योशिना को, ठीक है, इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2019 का। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए कौन सा स्थान मिला है, 68वां, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को 68वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान से उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह ने राफेल विमान से उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता DA में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो देखिए DA में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा? 5%, ठीक है, DA में 5% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 5%। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल सम्मान 2019 दिया गया है? देखिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल सम्मान 2019 दिया गया है किसको, कितने व्यक्ति को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं? तो देखिए इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? क्रिस सिल्वरवुड, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्रिस सिल्वरवुड जो है इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट करके बताना है, फटाफट कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में मेडिसिन क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है जिनमें से कौन कौन शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सा शामिल नहीं है, इसका आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, विलियम कैलिन
ग्रेग सिमेंजा, पीटर एलेक्स और पीटर रेडक्लिफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों के मुआवजे में कितने गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है? देखिए इसका सही आंसर होगा 4 गुना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों के मुआवजों में 4 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी साथी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। आपके एक लाइक करने से आप जी हाँ फ्रेंड्स आपके एक लाइक करने से 10 बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम पर सभी जगह इस वीडियो को शेयर करिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा सभी, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन। भारतीय सेना ने हाल ही में अपना पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम क्या है, हिम विजय, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हिम विजय पर्वतीय युद्ध भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 7 अक्टूबर 2019 को किस स्थान पर विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जेनेवा, ठीक है। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड देश में है। 7 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं? तो देखिए T20 में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं, मोहम्मद हसनैन, ठीक है। और ये किस देश से हैं, पाकिस्तान से हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 इंटरनेशनल मैचों में लगातार हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद हसनैन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में किस देश में एक तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ किए हैं, बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? देखिए इन्होंने 13 छक्के लगाए हैं, ठीक है, टेस्ट मैच के अंदर। तो देखिए इनका नाम क्या है, रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा के द्वारा टेस्ट मैच में 13 छक्के लगाए गए हैं और पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी है? तो देखिए 100 लगातार T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर जो है T20 मैच 100 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है? तो देखिए हर साल विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 5 अक्टूबर यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली की समस्या को निपटने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए किसको लॉन्च किया है, प्रकाश, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने हेतु प्रकाश पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो रेलवे की तैयारी करें उनके लिए। देखिए हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई जिसका नाम है? तो देखिए भारत के अंदर पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है तो उसका नाम क्या है, तेजस, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, तो कितने, इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली से डॉट डॉट के बीच ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? तो देखिए किस किस के बीच, इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली से कटरा के बीच, ठीक है, नई दिल्ली से और कटरा के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस
शुरू की गई है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, ठीक है। जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछ जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में तंबाकू और पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन पहले गैर ब्रिटिश मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही हो जाएगा कुमार संगकारा, ठीक है, याद रखिए। पहले गैर ब्रिटिश मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कौन, कुमार संगकारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? देखिए 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई है इनके जन्मदिवस पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150वीं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए किसको मिला है, कर्नाटक सरकार को, ठीक है। कर्नाटक राज्य को नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला स्थान, शीर्ष स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना हो उसके शेयर करिए, कम से कम 10 के साथ तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो देखिए कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हर साल इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, याद रखिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन ब्यूनस आयर्स ATP चैलेंजर्स जीतने वाले पहले एशियाई व भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए कौन बने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित नागल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने वाले मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ा? देखिए उसेन बोल्ट ने 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए कौन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिसन फेलिक्स, ठीक है। एलिसन फेलिक्स ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स में, इन्होंने उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एलिसन फेलिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस प्रथम भारतीय कलाकार के नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पंडित जसराज के नाम पर, ठीक है। पंडित जसराज जो है जिनके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है, ठीक है, पहले भारतीय कलाकार हैं जिनके नाम पर किसी ग्रह का नाम रखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पंडित जसराज। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विजू खोटे का निधन हुआ, वह थे? तो देखिए कौन थे विजू खोटे, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष बने? देखिए आपको फुल फॉर्म भी बताना चाहिए COSC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बिपिन रावत को COSC चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाल ही में कौन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं? तो देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं, लॉन्स कलजुनर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉन्स कलजुनर, याद रखिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में महिला क्रिकेटर सारा टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो देखिए सारा टेलर जो है इन्होंने महिला क्रिकेटर टीम से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये किस देश से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, याद रखिए इंग्लैंड देश से संबंधित है सारा टेलर, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में पहली बार पर्यटकों को
टूरिस्ट वीजा जारी करने की घोषणा की है। तो देखिए किस देश ने की है, सऊदी अरब ने, ठीक है, सऊदी अरब ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा जारी करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सऊदी अरब, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो देखिए कौन सा, 44वां, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत को 44वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो देखिए हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 27 सितंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 21वां, ठीक है, याद रखिए 27 सितंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल का 21वां जन्मदिन मनाया गया है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कौन भारत में किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो देखिए कौन बनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूपा गुरुनाथ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए भारत में किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है रूपा गुरुनाथ, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को हाल ही में IAAF का वेटर पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया, देखिए किसको, पीटी उषा को, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पीटी उषा को IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन तीन देशों के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए, पीछे जितने भी एग्जाम हुए तो और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए भारत अमेरिका और जापान, ठीक है, मालाबार में भारत अमेरिका और जापान तीनों सैन्यों का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, भारत अमेरिका और जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, विश्व समुद्री दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, देखिए हर साल समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को, ऑप्शन ए आपका सही होगा, याद रखिए हर साल समुद्री दिवस मनाया जाता है सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय हाल ही में ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किए गए, तो देखिए ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग, पहले भारतीय हैं जिनको ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है जो 1.5 किलोवाट का है, तो देखिए पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, तो देखिए वो कितने किलोवाट का है सोलर पार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 किलोवाट का, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सके, कम से कम 10 के साथ तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है, तो देखिए किसके नाम पर किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरुआत की है, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, देखिए किनको सम्मानित किया गया है, अमिताभ बच्चन को, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है ये भी याद रखिए आप लोग, और उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये अब दिया गया है किसको, अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड जीता है, तो देखिए फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड किसने जीता है, लियोनल मेसी ने, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, याद रखिए लियोनल मेसी ने
फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का अवार्ड अपने नाम किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से निपटने हेतु एक पहल का शुभारंभ किया गया जो है, तो देखिए क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा उम्मीद, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए एक नई पहल की शुभारंभ किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, उम्मीद नाम रखा गया है, याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एमी अवार्ड 2019 की घोषणा हुई जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया, तो देखिए किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड, तो इसका सही हो जाएगा गेम ऑफ थ्रोन्स को, ठीक है। एमी अवार्ड 2019 की घोषणा हुई है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व माधव आप्टे का निधन हुआ है वह थे, तो देखिए माधव आप्टे कौन थे, पूर्व क्रिकेटर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने, तो देखिए कौन बने हैं, अमित पंघाल, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए पहले, ठीक है, याद रखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष बल्लेबाज बन गए हैं अमित पंघाल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए, भारतीय डाक ने हाल ही में कितने देशों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है, देखिए कितने देशों के साथ, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 देशों में, ठीक है, 6 देशों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की है भारतीय डाक के द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नियुक्त की गई है, तो देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता कौन नियुक्त हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रिया श्रीनेत, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नियुक्त की गई है सुप्रिया श्रीनेत। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर वर्ष मनाया जाता है, देखिए शांति दिवस हर साल विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हर साल 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहीं पे, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो उसके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम सभी जगह इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि आपकी एक लाइक करने से वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुँचेगी, तो प्लीज़ सभी का एक एक वीडियो पर लाइक आना चाहिए, और जो नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।